हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे सिस्को के बारे में कि सिस्को में हम कैसे लॉन्च करके हम लोग कोर्स को कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हम लोग को क्रोम को ओपन कर लेना है। वहाँ पर हम लोग क्या करना है, netacad.com पर क्लिक करना है, सर्च करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये साइट खुलेगा, यहाँ 3.9 पर जाना है और यहाँ पर लॉगिन होगा, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन का प्रोसेस पहले बताया गया है, तो यहाँ पर जाकर लॉगिन हम लोग को कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना जो भी ईमेल आईडी भेजा गया है उसी ईमेल आईडी को हम लोग को यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और फिर इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। तो पासवर्ड में ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं इंटर करना है, जो हम लोग पासवर्ड बना चुके हैं वो पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो भी आईडी का पासवर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ सेव का आएगा, आप लोग सेव कर सकते हैं इस पेज को। तो पासवर्ड जब सेव कर लेंगे तो बार बार वो पासवर्ड नहीं आएगा। इस तरह का कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दिखाओ 5 of 13, यानी इसका मतलब ये हो गया है कि 5 वीक कंप्लीट हो चुका है 13 में। ठीक है, तो जल्दी से अब इसका कोर्स अगर लॉन्च करना है तो यहाँ पर लॉन्च कोर्स का दिया हुआ है, इस पर हम लोग को क्या करना है, क्लिक करना है। लॉन्च कोर्स पर मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह के ये आईटी एसेंशियल का कोर्स है, वो चैप्टर 14 तक है। और सारे कोर्स का एक एग्ज़ाम है तो वो भी देना है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम देने से पहले हम लोग को सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। तो अभी चैप्टर 1 को मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लॉन्च चैप्टर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो लॉन्च चैप्टर 1 पर क्लिक करना है। तो इस तरह का चैप्टर 1 ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जब इसको मूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये नहीं होगा। तो लेकिन जैसे नीचे में यहाँ जहाँ ब्लू लाइन है, ब्लू तरह का ये है, इस पर अगर क्लिक हम लोग करते हैं तो ये मूव हो सकता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, जूम आउट करके यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जूम इन कर सकते हैं, जूम इन करके इस चीज़ को हम लोग पढ़ सकते हैं, लॉन्च कर ये पढ़ सकते हैं। अगर नेक्स्ट पेज पर जाना है तो यहाँ पर दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज का, ये प्रीवियस पेज का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है, तो नेक्स्ट पेज के बारे में हो जाएगा। इस पर एक वीडियो है, तो ये वीडियो को प्ले करके हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो को हम लोग प्ले करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेज पर इस तरह से सारा पेज को हम लोग को नेक्स्ट करके इस तरह का सारा कोर्स हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आपको जंप करना है किसी कोर्स पर, मगर जैसे हम लोग देख लेते हैं कि कोर्स 1 में भी बहुत सारा डिटेल्स है। ठीक है, तो कोर्स 1 में कुछ हम पढ़ चुके हैं, बाद में लॉगिन कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज ऐसा ही आ जाता है। तो अगर हमको डायरेक्ट जंप करना है तो यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कोर्स इंडेक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, किसी चीज़ को बुक मार्क करना चाहते हैं तो बुक मार्क करना, यहाँ रिसेंट पेज का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, और भी लैंग्वेज इस सब का ऑप्शन आता है। तो आप कोर्स इंडेक्स पर जाइए, उसके बाद इस तरह का कोर्स इंडेक्स यहाँ पर आ जाता है, चैप्टर 1 का कोर्स, ये सारा कोर्स है। अब जहाँ पर आप पढ़ चुके हैं वहाँ से अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोर्स 1.2.4 मेमोरी पर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोरी लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और इस तरह के जूम आउट भी कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी यहाँ पर दिया हुआ है, मेमोरी के बारे में यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, पिक के साथ ये समझाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। रीड ओनली मेमोरी है और रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इस तरह से हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर कोर्स इंडेक्स पर जाके हम लोग वहाँ दूसरा पे जा सकते हैं, यहीं से हम लोग चैप्टर 2 में भी जा सकते हैं। कोर्स इंडेक्स पर जाके हम लोग को चैप्टर 2 में भी यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको और स्क्रॉल करते हैं ऊपर में तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 आ चुका है। ठीक है, इस तरह से सारा कोर्स हम लोग कर सकते हैं। अब एक चीज़ और इसमें है कि अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इस पूरे कोर्स में सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर
कोर्स इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ पर पैकेट इंडेक्स दिया हुआ है, लैब इंडेक्स दिया, लैब के साथ अगर समझाया जा रहा है, या वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो वीडियो इंडेक्स पर क्लिक करके वीडियो को हम लोग देख सकते हैं। तो चैप्टर में जहाँ जहाँ भी वीडियो है सिर्फ उसी का यहाँ पर डिटेल्स आया। जैसे चैप्टर वन में हमारा क्या है, कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर, वहाँ पर एक वीडियो है, फिर और भी नीचे कंप्यूटर है उस पर वीडियो है, चैप्टर टू में बहुत सारे वीडियोज है, ठीक है, जनरल एंड फाइल सेफ्टी में वीडियोज है, इस तरह से बहुत सारे में वीडियो है। तो आप अगर वीडियो सिर्फ देखना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं। लैब इंडेक्स पर फिर क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ लैब इंडेक्स है। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, सारे चैप्टर को पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसको बैक कर लेना, अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग बैक कर सकते हैं, तो वापस से ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लॉन्च चैप्टर वन की यहाँ पढ़ लिए हैं, लॉन्च चैप्टर टू करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर, फिर उसी तरह से लॉन्च चैप्टर थ्री करके पढ़ सकते हैं, इसी तरह से सारा चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वन क्यूज पर हम लोग को जाना है, क्यूज देना है, तो चैप्टर वन क्यूज पर क्लिक करना है। यहाँ पर चैप्टर वन पर ले, तो चैप्टर वन का क्यूज देना चाहते हैं तो चैप्टर वन क्यूज पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चैप्टर वन पर क्यूज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हम लोग को आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ, मैंने ये चैप्टर क्यूज दिया है इस तरह से, इस तरह से। तो अगर आप फिर से री अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या आप में अगर नहीं, आप अगर क्यूज दिए हैं तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, उसके कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ फिनिश अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पर फिनिश अटेम्प्ट उस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने अभी कोई भी आंसर नहीं दिया है, आप लोग को उस वहाँ पर आंसर देना है। फिनिश अटेम्प्ट करने के बाद आप सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट ऑल एंड फिनिश पर, यहाँ पर फिर से क्लिक करना है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये सबमिट हो जाएगा। अब वापस से आपको वापस से कोर्स में आना है, तो ये कोर्स होम पर लिखा हुआ है, इस पर कोर्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से वापस से ये आ जाता है कोर्स। उसके बाद जैसे कि चैप्टर वन हम लोग पढ़ चुके हैं लॉन्च करके, क्यूज दे चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर क्यूज दे चुके हैं। अब क्या करना है, एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जब तक कि आपके कॉलेज में कोई भी जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, वो इंस्ट्रक्टर जब तक इनेबल नहीं करते इस एग्ज़ाम को, तब तक आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस तरह से एग्ज़ाम भी देना है, तो एग्ज़ाम कैसे देना होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर लॉन्च करके इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ।